हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मीडिया से रूबरू हुए प्रभारी मंत्री ने कहा, विकास और सुरक्षा लोगों की मुख्य प्राथमिकता, अधिकारी दें ध्यान। प्रदेश के सिंचाई और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। कहा, कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर कार्य करें अधिकारी। महापौर की अध्यक्षता में साकुशल संपन्न हुआ नगर निगम के 12 सदस्यों में से 6 कार्यकारिणी सदस्यों के लॉटरी पद्धति से सेवानिवृत्त किए की प्रक्रिया। गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत में प्रदेश के सिंचाई यांत्रिकी व जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने गिनाई एक वर्ष की उपलब्धियां। कहा, प्रगति के पथ पर अग्रसर है गोरखपुर। 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की मीडिया कार्यशाला को GVL नरसिम्हा राव ने किया संबोधित। SP ट्रैफिक की अध्यक्षता में संपन्न हुई रात्रि शिफ्ट के PRP कर्मियों की बैठक, समस्याओं पर हुई चर्चा, किए गए निस्तारण के प्रयास। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, हटाया गया ट्रांसपोर्ट नगर का अतिक्रमण। प्रदेश के सिंचाई यांत्रिकी तथा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कैंट थाने तथा गौशाला कान्हा उपवन का किया स्थलीय निरीक्षण। कहा, पुलिस को गश्त बढ़ाने तथा मार्च तक कान्हा उपवन को पूरा करने के दिए गए निर्देश। पुलिस लाइन में पुलिस की ट्रेनिंग ले रही महिला आरक्षियों को CO खजनी ने पढ़ाया व्यवहारिकता का ज्ञान। कहा, समाज में तालमेल बैठा कर करें नौकरी। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ संपन्न। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला व राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी, प्रदेश महामंत्री नीलमा कटियार रहे मौजूद। कहा, आगामी लोकसभा चुनाव पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतकर BJP बनाएगी सरकार। 100 वित्त पोषित महाविद्यालय प्रचार परिषद ने उड़ाका दल की नियुक्ति के औचित्य पर उठाया सवाल। कहा, विश्वविद्यालय ऑनलाइन केंद्रीय निगरानी सेल का गठन कर करें परीक्षा केंद्रों की सीधी निगरानी। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश की जनता को दिया संदेश, देश में होने वाली विभिन्न घटनाओं प्रतिस्पर्धाओं को कार्यकर्ताओं ने सुना। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का द्विवार्षिक सम्मेलन का हुआ समापन। केंद्र और राज्य स्तर की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। नगर निगम के कार्यकारिणी सदस्य बने रहने पर सेवानिवृत्त हुए सदस्यों ने दी बधाई, किया अभिवादन। वार्डों के विकास कार्यों को लेकर कार्यकारिणी सदस्य की रही मिली जुली प्रतिक्रिया। नेताजी के सपनों को जीवित रखने के लिए हिंदू चेतना मंच ने चीते के निशान बने तिरंगे को फहराकर नेताजी को किया याद। समाज सेवी संस्था ने अपने 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर अनाथ मंदबुद्धि बच्चों और मेधावी दृष्टि बाधित छात्रों को अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्टी के पूर्व जिला मंत्री लोकतंत्र सेनानी एवं मजदूर नेता के आकस्मिक निधन पर हुए शोकाकुल दी श्रद्धांजलि। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के चारों साहबजादों और उनकी माता की शहीदी को समर्पित धार्मिक फोटो प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, लोगों ने किया अवलोकन। और ताज यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के रेड रॉयल चाय के आउटलेट का मिस दिल्ली और रनर अप मिस इंडिया दीवा पल्लवी ने फीता काट कर किया भव्य उद्घाटन। कहा, रेड रॉयल चाय पत्ती होगा सबसे बेहतर।